हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक फेमस रेसिपी जिसका नाम है डब्बा गोश्त। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डब्बा गोश्त बनाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर में लिया है 500 ग्राम बोनलेस मटन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसी के साथ ऐड करेंगे आधा कप पानी। प्रेशर कुकर को लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को रिलीज होने देंगे और लीड को खोल कर एक बार इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा मटन अच्छे से बॉईल हो चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है। गैस की फ्लेम को हाई करके इसका सारा पानी सुखा लेंगे। और पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 15 काजू, 1 टेबलस्पून खोपरा खमण यानी कि नारियल का पाउडर, 1 टेबलस्पून मगज बीज यानी कि मेलन सीड्स और 1 टेबलस्पून खसखस। इस खसखस को हमने 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो दिया था और इसका सारा पानी अच्छे से निकाल लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है हरा धनिया और 7 छोटी हरी मिर्च। इन सब का हमने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। अब हमने एक पैन में 1/4 कप तेल अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। हमने मीडियम फ्लेम पर प्याज, अदरक और लहसुन के पेस्ट को तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे काजू, खोपरा खमण, मगज बीज, खसखस, हरे धनिए और छोटी हरी मिर्च का बनाया हुआ पेस्ट। मिक्सी जार को खंगाल कर इसमें 4 से 5 टेबलस्पून जितना पानी भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने मसालों को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और बीच बीच में हमने इसे 2 से 3 बार चेक भी किया था। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा बॉईल किया हुआ मटन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मटन ऐड करने के बाद इन मसालों के साथ मटन को 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने मसालों के साथ मटन को अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही। इसमें दही ऐड करने के बाद हमने दही को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि हमने मटन को बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम ही रखना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक कर लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पका लेंगे और बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद हमने इसे ढक कर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है और बीच बीच में हमने इसे चेक भी किया था। अब हम इसे एक बार और चेक कर लेंगे। क्योंकि ये डब्बा गोश्त है तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे डब्बे में ट्रांसफ़र करने के बाद आगे की प्रोसेस ओवन में की जाती है, लेकिन हम इसे यहाँ पर गैस पर बना रहे हैं इसलिए हम इसे पूरे पैन में इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो हमने इसे पूरे पैन में अच्छे से स्प्रेड करके इसका एक लेवल बना लिया है। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो इसे एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लें
और 180 डिग्री पर ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के बाद 200 डिग्री पर इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लें। और अब हम इस पर ऐड कर देंगे टमाटर की स्लाइसेस। देखिए गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो ही रखेंगे। इसमें टमाटर की स्लाइसेस को अच्छी तरह ऐड करने के बाद ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अंडे। इन अंडों में 1/4 टीस्पून नमक ऐड करके हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हमने पूरे पैन में अच्छी तरह से अंडों को ऐड कर देना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून गरम तेल। देखिए हमने यहाँ पर जो तेल ऐड करना है उसको हमने अच्छी तरह गरम करना है और गरम करने के बाद ही हम इस पर ऐड करेंगे। और अब इसे ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। हमने इसे ढक कर 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसी के साथ पैन में बना हुआ हमारा डब्बा गोश्त बनकर तैयार है। तो खाने के लिए तैयार है लजीज और जायकेदार डब्बा गोश्त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।